We are going to start with set B first of all. I have checked set B, so pehle ye discuss kar lete hain. And your 19 questions were there. Each question was of 8 marks physics ka. So total marks the 15.2. 40% निकाल लो. पासिंग मार्क्स कितने हुए 6.0 समथिंग, बट वी हैव पास्ड 5.6 आल्सो. सो लेस देन 5.6 जिनके मार्क्स हैं, दे आर नॉट थ्रू. दे नीड टू थिंक अपॉन ट्वाइस थ्राइस फोर टाइम्स राइट कि वो क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू विल सी योर रिजल्ट. सिर्फ टोटल मार्क्स नहीं देखने. थ्री टीचर्स आर टीचिंग यू. यू विल सी योर मार्क्स इन साइंस सेपरेटली इन फिजिक्स chemistry, bio, because separate compilation has been done. Separately, how many are failing in physics, how many are getting maximum marks in physics, the same way in chemistry and in bio has been done. Fine? So, is tarah se aapne ye total marks nahi dekh ke ghar chale jana, ki hamare 40 mein se kitne aaye hain. Questions ka number kya hai? 50. To aap pehle dekho ke 50 questions mein se kitne kitne correct hain. और देन मल्टीप्लाई विद 0.8, फिर टोटल आपका जो भी है उसको राउंड ऑफ किया गया, फिर प्लस 10 इंटरनल असेसमेंट थी, तो टोटल आपके रिपोर्ट कार्ड में 50 में से मार्क्स है. 40 यहाँ पे हर सब्जेक्ट का और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के. 2+3+3+2 यू नो दैट. और आफ्टर दैट टोटल 50-50 का हर सब्जेक्ट था. फाइन, सेट बी क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट ऑफ ऑल. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 4, तो मैक्सिमम मार्क्स फिजिक्स के ही थे. फोर्थ इज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. रेडियस इज 7 मीटर, सॉरी. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 1.5 रेवोल्यूशन. सपोज इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, देन दिस इज 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, दिस इज हाफ रेवोल्यूशन, सो फाइनली रीचेस हियर. So, what is the displacement? So, draw straight line distance from starting to ending point. Starting point A है, ending point क्या है? B. वो इधर पहुंचे है, क्योंकि एक revolution half थी इसमें से. Fine. He is not returning back to the same point. तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये displacement कितनी है, equal to diameter. So, how much is the diameter? 2R. 7 is the radius, so 14 meter was your displacement. So, aapka answer hai fourth question ka C part. C part is your answer. Then come to question number 6. A scooter acquires a speed of 36 kilometer per hour in 10 seconds. A scooter acquires a speed of 36 kilometer per hour. Ye aapka U ho gaya in 10 seconds. Acquires मतलब कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड इतनी हो गई है, तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी. सो व्हेन देयर इज नो इंडिकेशन अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी, यू इज जीरो, दैट मींस तो ये आपका टाइम भी गिवन है, यू इज जीरो. यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, सो व्हिच इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, वी माइनस यू अपॉन टी. बट बिफोर पुटिंग इन द वैल्यूज, ये देखिए, ये सेकंड में या आवर में, तो वो नहीं ना हो सकता. एक चीज आप आवर में ले रहे हो, सेकंड में ले रहे हो, यू हैव टू सी द check the units also. So you will convert it into meter per second. Kilometer per hour ko meter per second mein kaise convert karte hain? Multiply with 5/18. So your V is 10 meter per second. 10 minus 0 over 10. So acceleration is 1 meter per second square. B part is the answer. 1 meter per second square is the acceleration. Seventh, displacement covered by an object is a vector quantity. B part. Ninth question, study the following VT graph carefully and find the distance covered in 5 seconds. How? Distance is calculated by calculating area under VT graph.
और देखो आपके लिए उन्होंने रेक्टेंगल पहले से बना दिया हुआ, आपको ये शेड करने की खुद जरूरत ही नहीं है, अदरवाइज द शेप ऑफ द ग्राफ इज ओनली दिस। पर फिर भी ये देखिए यहाँ पे ट्राइंगल पहले रेक्टेंगल बना हुआ है आपके लिए, तो दिस वॉज बट ऑब्वियस कि आपने इसका एरिया ही निकालना है यहाँ पे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर दिस ग्राफ, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ 5 × 5 = 25, एंड सिंस दिस इज डिस्टेंस यूनिट विल बी मीटर नॉट मीटर स्क्वायर। चलो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस में पहले ही मीटर दिया हुआ है। सो 25 मीटर ए पार्ट, दैट वाज द राइट आंसर। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे सेट में भी था, आपको बस दिस साइड मल्टीप्लाइड विद दैट साइड वो करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। यस विच सेट यू हैड ए, इसलिए सुन नहीं रहे हो? हाँ मैंने क्या कहा कि बी सेट सुनो मत बच्चे, नोट करो। अगर बी सेट था फिर तो और भी ज्यादा जरूरत है आपको देखने की ये कैसे क्वेश्चन थे। 13th VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, द वेलोसिटी इज व्हाट, द बॉडी इज व्हाट, एट रेस्ट, जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो VT ग्राफ है एंड दिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये ना टाइम एक्सिस इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, velocity is not changing, if velocity is not changing acceleration is zero because acceleration is rate of change of displacement, so in this case acceleration is zero, b part is correct, it is having zero acceleration. Question number 15 then, study the VT graph carefully, find acceleration of the object from b to c. How we calculate acceleration? यहाँ से डिस्टेंस निकाला VT ग्राफ से, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं VT ग्राफ से? By calculating slope of the graph. So this is already in meter per second and time is in second. एक बार नजर मार लिया करो कि कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए, तो वो ऑलरेडी फेवरेबल है, वो सभी ग्राफ्स में ठीक दिए हुए हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दिस इज बी, दिस इज सी। In this portion, they are asking how much is the acceleration. Is it acceleration or retardation? Retardation. Because velocity is decreasing with time in this part. So we will use negative sign whatever we calculate after that. हाँ तो इसका स्लोप क्या होगा? Tan theta. स्लोप कैसे निकालते हैं acceleration के लिए? Tan theta of this right angle triangle. Perpendicular over base. Perpendicular कितना है? 10 दिया हुआ है इसके corresponding and this is 10, this is 15. Base कितना है? 15 minus 10, 5. So acceleration is slope of the line and that is tan theta. Tan theta is perpendicular upon base, 10 upon 5. Minus 2 आ जाएगा because velocity is decreasing है. So this is not acceleration, this is retardation. और आपको वैसे भी सॉल्व भी ना करते तो पता लग जाता, एक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो माइनस वाली आनी है कि पॉजिटिव वाली आनी है, यही तो ए पार्ट इसका आंसर है, माइनस। ठीक है ना, अब अगर 2 वाला आपने टिक कर दिया तो वो बिल्कुल ही रॉन्ग है जबकि आपने उसको सॉल्व किया। तो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज, दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ एमसीक्यू कि आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो हमने इजीली आपको इतना सॉल्व करने का 1.5 दे देना था, हाफ डिडक्ट करते या मैक्सिमम 1 मार्क डिडक्ट करते फॉर द साइन, है ना, तो कितना लॉस हो रहा है इसका, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। 17, अ गन रिकॉइल्स ऑन फायरिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिकॉइल, मूव्स बैक, दिस इज ड्यू टू force of reaction exerted by bullet on the gun, force exerted by gun on the bullet, या फिर either A or B, neither A nor B. A option, bullet के आगे जाने से action हुआ, उसकी वजह से reaction मिला gun को,
So because of that action exerted by bullet on the gun. So this is A part, not B. B में तो वो कह रहे bullet के ऊपर gun जो force लगा रही है. We are talking about gun. Gun के ऊपर जो force लग रहा है उसकी वजह से ये backward move कर रही है. वो क्यों हो रहा है? वो तब होगा when the bullet will go in the forward direction. So because of that action, जब तक action नहीं होगा, reaction नहीं होगा. आप जब तक bullet fire ही नहीं करोगे, तो will the gun recoil back? No. तो जब तक बुलेट फायर ही नहीं होगी गन भी रिकॉइल नहीं करेगी. इट विल रिमेन एट इट्स ओन प्लेस. 18. व्हेन रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस बी पार्ट. ये तो डेफिनेशन में ही आपको लिखवाया था मैंने कि बैलेंस मींस टू आर मोर देन फोर्सेस टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी and resultant is zero. They are balancing each other. Choose AT graph from BT graph. B is the answer. B. C. 19. This BT graph has been given. Actually, it started from set A. सेट ए में क्वेश्चन है कि ये एक्स टी ग्राफ गिवन है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग बी टी ग्राफ चूज करो. तो वो ये होगा, सेट ए में ये चूज करना है आपको. बिकॉज इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंसेस आर बीइंग कवर्ड, दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मींस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. तो आपकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, ऐसा ग्राफ आ गया. नाउ योर वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट. और इसी सेट में पहले क्वेश्चन आप कर चुके हो कि ऐसे ग्राफ का मीनिंग है एक्सेलरेशन जीरो है. ये है ना आपने इसी में. तो एक्सेलरेशन जीरो है. जीरो कहां पे होता है? यहां होता है कि यहां होता है? यहां होता है ना. तो ये यहां जीरो से आपकी ये कर्व आएगी. ये आपका एटी ग्राफ मतलब जीरो है. जीरो शो कर देना, दैट्स ओके फाइन. यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगी. और ये है ऑप्शंस में, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो वाला ग्राफ भी होता है. ये है, बस इतना देख के कंफ्यूज हो गए कि हमने तो दो ग्राफ किए हैं, एक्स टी ग्राफ, बी टी ग्राफ, ए टी कहां से आ गए. जैसे आप वहां से वहां गए हो, यहां से यहां आ जाना बस. दैट्स 22nd. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज 3 kg/s² force acting must be 3 newton. ये revision days में इस type के questions किए थे हमने. This is nothing but the formula of Newton's second law of motion. Rate of change of momentum is directly proportional to force. मतलब force is equal to rate of change of momentum. और फिर आप कहोगे कि अगर ये force है तो unit को kg/s² लिखा हो. When we did the units, I told you कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन बोलते हैं. बिकॉज दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय सर इसाक न्यूटन, उसी को ही हम न्यूटन बोलते हैं. पर वैल्यू तो वही रहेगी ना. केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो या न्यूटन लिखो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग. तो आपका आंसर है 3 newton, डी पार्ट. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन वॉज देयर इन सेट ए ऑल्सो. Then come to, yes, last benches, what happened? Question number 24. The force required to impart a car a velocity of 30 m/s in 10 seconds. If mass of the car is 1500 kg, must be how much? कितना फोर्स होगा? I think कुछ इंग्लिश समझने में भी प्रॉब्लम हो जाती है. Force required to impart a car a velocity. मतलब ये कार को इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करने में कितना फोर्स रिक्वायर्ड, ये कह रहे हैं. मतलब कि पहले वो जितनी भी वेलोसिटी से आ रही है कार, नहीं दी, इसका मतलब रेस्ट से ही आ रही है. तो फोर्स एक्ट करने से उसको इतनी वेलोसिटी मिल गई, ये फाइनल वेलोसिटी है. ठीक है. सो 24th क्वेश्चन यू जीरो ले सकते हो. और ये जो गिवन है दैट इज फाइनल वेलोसिटी and time is 10 seconds, mass of the car is 1500 kg, force nikalna hai. What is the formula? F is equal to ma. Ab a nikal loge iske liye.
थ्री हो गया, अब इसमें पुट कर दो। सो इट इज 4500 न्यूटन, सी पार्ट इज द आंसर। यू स्टैंड अप, आई कैन सी व्हाट इज व्हाट यू आर डूइंग। 4500 न्यूटन सी पार्ट, दैट्स द आंसर। 27th, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस फॉर्मूला ऑफ फोर्स, सी पार्ट। आई थिंक देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 29th, यस डेफिनेशन कौन कह रहा है? इज देयर एनी कंफ्यूजन अबाउट इट? यस डेफिनेशन कौन देता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ। डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया वो भी फर्स्ट लॉ से मिलती है। अगर डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम कहते तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे आप, वो सेकेंड लॉ ही था। अ कुशन्ड बेड और अ सैंड बेड इज यूज्ड इन द एथलेटिक इवेंट हाई जंप, दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इंपैक्ट। ये हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीजेस, चेंज इन मोमेंटम बिकम स्मॉल। There is a point of change in momentum also, but they are saying increase in change in momentum. It should be decrease. So, वो भी wrong है. Decrease the time of impact तो है ही नहीं है. Take rest तो ये वैसे ही vague answer है. तो आपका A part was the correct answer. Increase the time of impact. For example, an athlete lowers his hands while catching a ball. He increases the time of impact, reduces the change in momentum, so reduce force is reduced. He is not injured. Yes. मुझसे पूछो क्या पूछना है? क्या? Okay. I don't think so. You are enough. 32nd assertion. This is NCERT question. Last question of motion chapter. Of NCERT that you have written in your copies also. So I told you that the numericals may also be asked in assertion and reason. There was only one question of physics of assertion and reason. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 kilometers. The satellite takes 24 hours to revolve around the earth with a speed of 3.06 kilometers per second. तो इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमें स्पीड निकालनी है, किस स्पीड से सैटेलाइट जा रही है अराउंड द अर्थ वंस। ठीक है, तो वंस है तो इसका मतलब एक ही लेंथ लेंगे हम, वन सर्कमफेरेंस 2πr, एंड टाइम पीरियड इज गिवन 24 आवर्स। वी नो दैट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड ओनली। ठीक है, सो विच फॉर्मूला ऑफ स्पीड? Same basic formula of speed we'll be using. Distance upon time. And if the object is moving in a circle, distance is equal to circumference. So that is 2πr upon time. So ye thodi si calculation laborious hogi aapki. Isko kilometer mein rehne do, because the answer you see is in kilometer per second. तो डिस्टेंस को किलोमीटर में रहने देते हैं। यस यू, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। टाइम है 24 आवर्स, 1 आवर इज 3600 सेकंड। इसको सॉल्व करना है। अब देखो क्या है, कई बच्चे क्या सोचते हैं, 3.06 दिया हुआ है, बुक में आंसर था 3.07, उनको लगा भाई 0.06 तो गलत हो रहा है, यहाँ आ रहा है मेरा 0.07 आ रहा है। बच्चे इतना सा जो डिफरेंस है उसको इग्नोर करो, 3 पॉइंट ही आ रहा है ना, 30 पॉइंट तो नहीं ना आ रहा आपका आंसर। गलत तब होता है जब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। 3.06, 3.07 इज वन एंड द सेम थिंग। कई बच्चों ने इसी की वजह से कह दिया कि यह तो गलत है। एक मिनट वेट, अब रीजन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, रीजन क्या दे रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय डी। वो कहते हैं ये इससे हमने कैलकुलेट किया, बट हमने तो ये यूज ही नहीं किया, हमने एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं किया। वी हैव यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल वेलोसिटी टू सॉल्व दैट, और आपका आंसर इतना ही आता है।
तो assertion correct है, पता चल गया, reason in itself is correct, formula दिया हुआ है correct angular velocity का, but ये उससे हमने solve नहीं किया इसको, तो that's why answer was B, both are correct statements. हाँ उसमें उसमें रीजन यही दिया हुआ, हाँ उसका ये कैन भी मतलब अच्छा मतलब आप कह रहे मस्त भी नहीं लिखा हुआ, कैन कैन का मीनिंग निकाल रहे पर हम इससे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं ना, तो नहीं हो रहा ना, कैसे कर सकते हैं, आओ करो आप, चलो बताओ कैसे कर सकते हैं, यहाँ सॉल्व करो, सॉल्व दे ये ना इंग्लिश मीनिंग मत निकालो कि कैन लिखा हुआ, ये मत करो आप, ये देखो फॉर्मूला ये वाला यूज किया कि नहीं किया हमने, नहीं किया ये वाला यूज, तो है करेक्ट है बट, तो आंसर है बी. नाउ लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी, एंड आई थिंक कि हमने जो एग्जांपल्स किए थे एनसीईआरटी के उसी का था ना ये, हमने रिवीजन डेज में रिवाइज किया था ना, सेम इस टाइप का क्वेश्चन रिवाइज किया था ना, किया था, ये एग्जांपल थे ना, तो देखो 5 मार्क्स तो फ्री के थे बट उसमें मार्क्स कट गए हैं. हाँ जी, दिस गर्ल हाउ यू सिटिंग, नो 46 है, अब आप बताओगे, मैंने नहीं बताना. वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट टी इक्वल टू जीरो इज हाउ मच, टी इक्वल टू जीरो कहां पे, ये टी है ना, ये 8 है, ये 6 है, 4 है, 2 है, 0 कहां पे है, ओरिजिन पे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कहां है, इधर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड, सी पार्ट इज करेक्ट. 47th क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्टॉप इज, कहां स्टॉप हो रही है, दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी ये जीरो है ना, यहाँ पे ये जीरो कहां पे हुई, यहां जाकर, इट इज डिक्लाइनिंग, ग्राफ इज डिक्लाइनिंग, दैट मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, इट इज रिटार्डिंग अगेन, और धीरे स्लो होती होती जीरो हो जाती है वेलोसिटी, कहां पे जीरो हुई, कितने सेकंड में, 8, तो डी पार्ट है 47 का, 8 सेकंड इज द आंसर. 48, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉल इज, अब अगेन एक्सेलरेशन 1 है कि माइनस 1 है कि 10 है वो आप देख लो सॉल्व करके, माइनस है कि प्लस है ये भी एक मैटर करता है, तो माइनस है क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है ना, तो रिटार्डेशन है, इट्स नॉट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सो अगेन यू विल कैलकुलेट स्लोप ऑफ द लाइन, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 18 एंड बेस इज 8, ठीक है, कितना हो गया 10, सो इट इज -10, हाँ वो भी कर सकते बट अगर ग्राफ दिया हुआ है, अगर सब्जेक्टिव होता तो वो फिर ऐसे ही कहते हैं, इस मेथड से कहते हैं स्लोप से, बट आप कर सकते हो, अब तो एमसीक्यू ही. 49th, फोर्स ऑन द बॉल इज, अब अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव थी फोर्स भी नेगेटिव होगा, ठीक है, सो आंसर इज -0.5 न्यूटन, हाउ डू वी डू इट,
F is equal to m n, but ये ध्यान रखिए mass is in gram, unit क्या है mass का किलोग्राम, so divide that by 1000, ठीक है तो ये आ गया -0.5, 50th last, initial momentum of the ball is, वो भी निकाल लेते initial velocity कितनी थी 80. Initial momentum of the ball is mass into initial velocity. Mass और velocity है 80. Mass किलोग्राम में ही लेना है, ठीक है तो कितना आ गया 40/10 4. So 4 kg meter per second. अब ए सेट की भी मैंने ग्रुप में डाल दी थी, आई होप यू मस्ट हैव सीन, ए सेट की मैंने ग्रुप में, बी की भी डाल दी थी, ए की भी मॉर्निंग में डाली. 4th क्वेश्चन का आंसर है डिस्प्लेस डिस्टेंस निकालना था, सी पार्ट 20 पाई. 6th का आंसर है स्कूटर ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, वही वेलोसिटी हो गई 10, ठीक है तो एक्सेलरेशन v माइनस u ओवर t, 0 - 10/20 -0.5. 6th का आंसर है डी. 7th का है रिटार्डेशन इज अ वेक्टर, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन एक ही बात है, बस नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, सो दे आर वेक्टर क्वांटिटीज. 9th का आंसर, बस एरिया निकालना है आपने, 8 × 10 80 मीटर. 9th का आंसर है 80 मीटर, हाँ जी ए ऑप्शन. 13th क्वेश्चन नाउ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कोइंसाइड्स विद टाइम एक्सिस, कोइंसाइड मतलब यही, ये कोइंसाइड है, डिस्टेंस टाइम मतलब कि बॉडी रेस्ट पे है ना, तो इसका आंसर है बी, 13th का बी एट रेस्ट. 15th क्वेश्चन नाउ, एक्सेलरेशन निकालनी है ओ टू ए, ओ टू ए निकालना है स्लोप 10/5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए पार्ट, 15th का ए पार्ट. 17th वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, ए पार्ट गन इज मच हेवियर देन द बुलेट. 19th चूज वीटी ग्राफ, बी पार्ट ए पार्ट आएगा इसका, 19th का ए पार्ट. अच्छा 18th अ बॉल सेट रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, दिस इज ड्यू टू ए पार्ट अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. देखो अगर आपने एक बॉल एयर में फेंकी है तो वो रुकेगी कोई जल्दी नहीं ना रुकेगी, अगर ग्राउंड पे चल रही है तो फ्रिक्शन ड्यू टू ग्राउंड ही आएगा उसमें, तो आपका ए ही आएगा जो मोस्ट डोमिनेंट आंसर इसमें यही है, ये 18th का 9, हाँ 18th का ए. 22nd डी पार्ट 2 न्यूटन, 24th F is equal to ma, mass है 2000 और velocity है 20/10 4000. C part 24th is C part. 27th real law of motion is Newton's second law, B part. 29th glassware or chinaware are wrapped in paper or straw to increase the time of impact, A part. 32 assertion reason, इसका आंसर है A, पर हमने B को भी करेक्ट कर दिया है, ठीक है. केस स्टडी उसमें तो आपका था ही बी था ना उसमें तो, अच्छा आपको भी यही लगा, आई थिंक मैंने उसमें भी ए और बी दोनों शायद चेक कर दिया है.
आई डोंट थिंक सो, ए में आई एम श्योर कि उसमें ए भी दोनों करेक्ट कर दिए हैं।